ऐड के बारे में बात करते हैं, और खासकर उन ऐड के बारे में जो रात को दिखाई जाती है। मध्य रात्रि के बाद लोग मद पी के रात्रि का एंजॉय करते रहते, तब ये ऐड आता है। उसमें एक तो आता है वो जो फोटो लगाए जाते हैं, दो फोटो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के फोटो लगाए जाते हैं, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का फोटो लगाते, और कॉलर से कहा जाता है, बताइए कौन है ये लोग, जल्दी बताइए जल्दी। अगर आपने अभी अभी फोन कर दिया तो आपको मिलेंगे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये क्या नहीं होते, कितना बड़ा काम हो सकता 50,000 का। 50,000 अगर आप चाहे तो ये दुनिया खरीद सकते हैं आप। ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, 50,000 बहुत बड़ी रकम है, आप अभी फोन कीजिए, अभी फोन कीजिए। एक का फोन है, हाँ बोलिए, अब बोलिए किसका है। एक मिनट, टाइम खत्म कर दीजिए। आप अपने टीवी के पास में जब भी बैठे रहेंगे, पहली बात तो आप अपना वॉल्यूम कम कीजिए, अपना खुद का आवाज़ मत कम कीजिए, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। कौन है ये दोनों? अब साफ साफ दिखाई दे रहा है अमिताभ बच्चन, जया बच्चन। वो कहेंगे पहला फोटो जो पुरुष है, हाँ वो शोएब मलिक है, और महिला सानिया मिर्जा। आप सीधा हिंदुस्तान से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, वेरी गुड। ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए, काफी करीब है आप, बहुत करीब है, बहुत ही नजदीक है आप। एक फोन फिर आ गया, हाँ कौन है ये दोनों बताइए। ये अमिताभ बच्चन, जया बच्चन। इसको काटो तो खून नहीं। दूसरा ही कॉल, सही जवाब। भाई आप कौन है, आपका नाम बताइए। अभिषेक बच्चन बोल रहा हूँ। अभिषेक बच्चन आप टीवी देख रहे हैं? भाई पिछले एक साल से कर क्या रहा हूँ, या तो बीवी देख रहे हो तो टीवी देख रहा हूँ। मैंने पापा से कहा कि जिस तरह से आपका मैडम तुजार म्यूजियम में पुतला है, तो मेरा भी पुतला चाहिए। तो पापा ने कहा बेटा पुतला छोड़, अब तू घर पे ही पुतला। अब मैं घर पे पुतला आ रहा हूँ, खुद ही एबी का बेबी आ रहा है। ये तो ठीक है, कुछ ऐड ऐसे थे, चंकी चाट मसाला, चंकी चाट। मैं बोला कौन सा मसाला होगा ये जिसको चंकी चाटता होगा। शक्ति भोग आटा, जो शक्ति भोगता है उसे शक्ति भोग आटा कहा जाता है। वाघ बकरी चाय, अरे बताइए चाय पिला रहे हो, वाघ और बकरी को काट के खिला रहे हो, कमाल है। एक से बढ़कर एक ऐड। एक महिला ऐड के चक्कर में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने गई, मेरा पर्स चोरी हो गया। तो पुलिस ने कहा पर्स आपने कहाँ रखा था? वो नहीं बताऊंगी, क्यों, ये अंदर की बात है। तो फिर हम इस वक्त नहीं आ सकते, क्यों, ये आराम का मामला है।